दोस्तों क्या आप भी अपने प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते होंगे तो आपके सामने पेंडिंग प्रॉब्लम का एक ऑप्शन आ जाता होगा। कोई भी एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड नहीं हो रही है, इंस्टॉल नहीं हो रही है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का सलूशन बताने वाला हूँ दोस्तों। जो मैं सेटिंग बताऊंगा, यदि आप अपने प्ले स्टोर के अंदर उन सभी सेटिंग्स को अप्लाई कर लेते हैं तो आप 100% दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नया प्रोसीजर है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले दोस्तों एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले क्या काम करना है, अपने प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले सेटिंग करनी है आपको, यहां पर आना है अपनी प्रोफाइल पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर आना है सेटिंग के ऑप्शन पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड एक ऑप्शन है जनरल का, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसके नीचे ही एक सेटिंग खुल जाएगी, अकाउंट एंड डिवाइस प्रिफरेंसेस, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहीं पर आपको एक सेटिंग करनी है सबसे फर्स्ट ट्रिक, ठीक है, नीचे आना है और दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर की यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, जो भी आपका कचरा भर रखा है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। और दोस्तों उसके नीचे एक ऑप्शन और देखने मिला, क्लियर विश लिस्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको भी आपको यहाँ से क्लियर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग आपको ये करनी है और आपको बैक आना है। अब दोस्तों उसके नीचे एक ऑप्शन और देखने मिलेगा, नेटवर्क प्रेफरेंसेस, अब आपको काम काम करना है, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंसेस। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इस सेटिंग को यहाँ से चेंज करना है। अब यहाँ पर यदि आपके मोबाइल फोन के अंदर अस्क मी एवरी टाइम पर सेट है या अवर वाईफाई पर ओनली पर सेट हो रखा है, अब आपको क्या काम करना है, इसको ना यहाँ से अवर एनी नेटवर्क पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उस सेटिंग को यहाँ से ओके करना है। अब दोस्तों उसके नीचे एक ऑप्शन आ रखा है, ऑटो अपडेट ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों उसके नीचे आना है ऑटो प्ले वीडियोस, इसको भी यहाँ से आपको डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों इन सेटिंग को यहाँ से आपको करना है। अब दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर एक चीज को चेक करना है कि आपका जो प्ले स्टोर है वो अपडेट है या नहीं। दोस्तों इस कारण भी आपके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही है। आपको यहाँ पर आना है अबाउट के ऑप्शन पे, नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट प्ले स्टोर, आपको क्या काम करना है, आपका अपडेट नहीं है ना प्ले स्टोर, इसको सबसे पहले तो आपको नए वर्जन में कन्वर्ट करना है, अपडेट कर लेना है यहां से, ठीक है, और आपको यहां से इन सेटिंग को आपको बंद कर देना है। अब आपको यहां से इतनी सेटिंग आपकी हो चुकी है। अब दोस्तों एक सेटिंग और कर लेनी है इसके अंदर ही, यहां पर आना है फिर से और दोस्तों एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अपडेट अवेलेबल का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी एप्लीकेशन है ना वो अपने आप ही अपडेट हो रखी है ना, अपडेट हो रही होंगी यहाँ पर इस तरीके से घूम रही होंगी, तो दोस्तों इस कारण से भी आपको मैं प्रॉब्लम आ रही है। आपको क्या काम करना है, इन सभी एप्लीकेशन को इस तरीके से अपडेट करना है और फिर से दोबारा से कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ से रुक जाएंगी और आपका मोबाइल फोन काम करने लगेगा। अब आपको यहाँ से बैक आना है इन सभी सेटिंग को इस तरीके से करने के बाद। अब दोस्तों लास्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यदि इन ट्रिक से आपका काम नहीं बनता है ना, आपको इस ट्रिक से तो काम बन ही जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर आना है सेटिंग के ऑप्शन पे और दोस्तों आपके अपने मोबाइल फोन की यहाँ पर आना है नीचे, ठीक है, इस पर आपको दोस्तों ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपके मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों ऐप्स भी हो सकता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर आना है ऐप लिस्ट के ऑप्शन पे, यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि आपका गूगल प्ले स्टोर कहाँ पर है, ठीक है, नीचे आना है और दोस्तों आपको देख लेना है कि आपका प्ले स्टोर कहाँ पर है। दोस्तों ये रहा आपका गूगल प्ले स्टोर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको ना अपने गूगल प्ले स्टोर का स्टोरेज एंड कैश है ना, इस पर आपको क्लिक करना है और इसको यहाँ पर क्लियर कर देना है इस तरीके से, ठीक है, आपका दोस्तों प्ले स्टोर बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब दोस्तों आपको ना गूगल प्ले सर्विस, दोस्तों ये आपका गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल प्ले स्टोर का, ये गूगल प्ले स्टोर से ही कनेक्ट रहता है लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी नहीं बताता, ठीक है। आपको यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक करना है, दोस्तों ये दिखता भी नहीं है आपको लेकिन आपके मोबाइल फोन के अंदर ही काम करता है। आपको ना इसका भी क्लियर कर देना है, स्टोरेज एंड कैच आपको इसका भी क्लियर कर देना है इस तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों ये सेटिंग आपकी हो चुकी है। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट बैक आना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आप यहां से कोई भी एप्लीकेशन को बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको दोस्तों वेट करना है, आपका दोस्तों प्ले स्टोर बिल्कुल क्लीन हो चुका है ना, अब दोस्तों थोड़ा सा वेट करेगा। अब आपको दोस्तों जैसे ये कोई गेम है,
इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आप ना इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप अपना कोई भी यहाँ पर नाम डाल के अपना यहाँ पर कोई भी जैसे गेम है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर कोई इसका तरीके का गेम डाउनलोड करना है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका प्ले स्टोर है ना वो अपडेट होने में अब टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप शुरू जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे ना वो दोस्तों एक मिनट का वेट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपकी एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ से डाउनलोड हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होने लगी है। इस तरीके से आप इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को नया सीखने को मिला हो, कुछ हेल्प हुई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। चलिए आपका दिन शुभ हो।